हाय दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर श्रीपाल है। ये वीडियो पिछले वीडियो का कंटिन्यू है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि किस तरह से मैंने गैस और इंडाइजेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम थी कि पेशेंट को, और उसको किस तरह से मैंने क्योर किया था, मिटाया था, जिससे लंबे टाइम से प्रॉब्लम थी। इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से गैस की ट्रबल्स होती है और किस तरह की गैस की ट्रबल से उसमें क्या तरह का खाना पीना रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उस तरह से कि मैं गैस की जो ट्रबल्स होती है उसे तीन भाग में डिवाइड करके रखता हूँ। पहला होता है कि जिसे नॉर्मल गैस की ट्रबल्स है, डकार वगैरह आती है, पेट भारी भारी रहता है, कभी किसी को वॉमिट्स तक हो जाती है। दूसरा, उसके बॉवल्स कैसा है। अगर मान लो कि उसको कब्जियात है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसे मैं दूसरे टाइप में रखता हूँ। और तीसरे वो लोग होते हैं जिन्हें खाने के बाद तीन चार बार जाना पड़ता है, दो बार जाना पड़ता है, दिन में तीन चार बार लोग जाते हैं, डायरिया जैसा रहता है। तो एक जिसे नॉर्मल बॉवेल है, ना कब्ज है, ना डायरिया है, नॉर्मल दिन में एक बार जाना होता है। दूसरे वो लोग जिनको कब्ज रहती है, और तीसरे वो लोग जिनको डायरिया जैसा रहता है। पहले वाले की बात करेंगे कि पहले वालों का जिसको नॉर्मल डायरिया है, ना उसको कब्ज है, ना उसे डायरिया है, ऐसे लोगों को खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले पाउडर्स की बात करें, ऐसे लोगों को पंचकोल चूर्ण ज़्यादा सूटेबल रहता है, चतुर्भुज चूर्ण भी रह सकता है, और हिंगवाष्टक चूर्ण, ये तीनों में से कोई भी चूर्ण का वो यूज़ कर सकता है। ये डाइजेशन के लिए अच्छे रहते हैं। अब दो तरह का होता है, जब भी आपको किसी को गैस हो रहा है लंबे टाइम से है, तो एक तो जब वो कुछ भी आलू वाली चीज़ खाता है, कोई स्पाइसी खा लेते हैं, या फिर ज़्यादा मात्रा में खाने में कुछ आ जाता है, तो उसके हिसाब से उसे तुरंत गैस हो जाता है, और उस कंडीशंस में क्या करना चाहिए उसे एक्यूट कहते हैं। और दूसरा होता है लंबे समय से रह रहा है, लंबे समय से थोड़ा 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 होता रहता है, या कभी कभी बार होता है। तो डेली बेसिस पे एक क्या डाइट रखनी चाहिए, और दूसरा जब हुआ है उस समय क्या करना चाहिए। तो जब हुआ है उस समय सबसे पहले तो ये करना चाहिए, खाना हल्का कर देना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम के हिसाब से गैस हो रहा है। जब डाइजेशन नहीं हो रहा है तो आप हैवी खुराक नहीं ले सकते, आपको लाइट ही लेना है। आपको खिचड़ी खाना है, दाल चावल खाना है, और हो सके तो उपवास करना है, जैसे फ्रूट्स वगैरह लेने हैं। फ्रूट्स में आप केला नहीं ले सकते, बाकी कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं। आप दाड़म भी ले सकते हैं, मौसम्बी भी ले सकते हैं, ऐसे दूसरे फ्रूट्स आप ले सकते हैं केले को छोड़ के। और उपवास करना है, फास्टिंग्स अच्छी रहती है। अगर एक्यूट है उस टाइम पे आप अगर रोटी सब्जी नॉन वेज वगैरह आप खाओगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ने ही वाली है। दूसरा, लंबे टाइम के लिए, अगर लंबे टाइम के लिए अगर आपको सिर्फ इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स, अगर डेली बेसिस से आपको क्या करना है, तो डेली बेसिस पे आपको जो भी स्पाइसी फूड्स होते हैं उसको अवॉइड करना पड़ता है। कोई भी स्पाइसी फूड्स है उसे अवॉइड करना पड़ता है, जैसे बाहर के जो भी स्नैक्स वगैरह मिलते हैं वो सब भी आपको बंद करना पड़ता है, या फिर बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। जब आपको बिल्कुल अच्छा है तो बहुत कम मात्रा में। दूसरा, आप जब भी खाना खाने बैठते हो, रोटी वगैरह खाने बैठते हो, तो उस टाइम पे आपको एक अदरक का टुकड़ा साथ में लेके बैठना चाहिए। उस अदरक के टुकड़े को नमक में भिगो भिगो के खाने के बीच में बार बार खाते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहना चाहिए। आप पिकल वगैरह रहते हो वो उतना बेटर नहीं रहेगा। पिकल है वो टेस्ट ऑफ टंग की तरह ही है। अगर आप टेस्ट ऑफ टंग की तरफ जाओगे तो फिर आपकी हेल्थ मेंटेन नहीं रह पाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको अदरक की तरफ जाना चाहिए, अदरक का सेवन करना चाहिए। उसके अलावा आप बटर मिल्क है, कर्ड है, छाछ दही वगैरह ले सकते हो, उसमें जीरा डाल के ले सकते हो, वो भी आपके डाइजेशन के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो घर पे भी, थोड़ा बहुत डाइट आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। दूसरा, घर में जैसे अजवाइन वगैरह होती है उसका भी आप सेवन कर सकते हो खाने में, खाने में थोड़ा बहुत हींग का भी सेवन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें खाने में अच्छी रहती है। आपको हैवी फूड को अवॉइड करना चाहिए, खास करके जब आपको गैस बहुत ज़्यादा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, उस टाइम पे आप दूध नहीं ले सकते, उस टाइम पे आपको दूध नहीं लेना है। दूसरा, अब मान लीजिए कि आपको कब्ज है साथ में, आपको कब्जियात हो गई है, तो उस कंडीशंस में आपको पंचसकार चूर्ण है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगर मान लो कि आपको वो नहीं मिलता है तो आप हिंगवाष्टक चूर्ण या पंचकोल चूर्ण जो ले रहे हैं, तो हिंगवाष्टक चूर्ण मान लीजिए लिया, तो हिंगवाष्टक चूर्ण के साथ आप दूसरा स्वादिष्ट विरेचन ले सकते हैं, या फिर कुछ दूसरा जैसे एरन ब्रुश हरीतकी है वो साथ में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका डाइजेशन तो पंचकोल से इम्प्रूव होता रहे और आपको दूसरी तरफ कब्ज भी ना रहे। जिन्हें कब्ज रहती है वो लोग दूध का सेवन कर सकते हैं, उन्हें जो छाछ और दही है, बटर मिल्क वगैरह,
वो कम मात्रा में लेना चाहिए, ले सकते हैं पर कम मात्रा में लेना चाहिए। पर दूध है उसको दूध को लेना चाहिए और दूसरी चीजें भी ले सकते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जिनको डायरिया होता है, खाने के बाद तुरंत जाना पड़ता है, दो दिन में दो तीन बार खाया तो दो तीन बार जाते हैं, या तो ऐसे भी दिन में तीन चार बार उन्हें जाना ही पड़ता है। तो ऐसे लोगों को इंगवास्टक चूर्ण नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए दाढ़ीमाष्टक चूर्ण सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। आप दाढ़ीमाष्टक चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। मान लो आपको नहीं मिलता है तो पंचकोल चूर्ण तो है ही, वो तो तीनों कंडीशंस में आप पंचकोल चूर्ण ले ही सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पंचकोल चूर्ण लेना चाहिए। और पंचकोल चूर्ण के साथ आप शॉर्ट टाइम के लिए कूटज घनवट्टी आप ले सकते हैं, या तो फिर बिल्व फल मज्जा है उसका पाउडर भी मिलता है, आप ले सकते हैं। बिल्व मतलब बेल, बेल का पेड़ आपने देखा होगा जो शिव जी के ऊपर पत्ते चढ़ते हैं, उसका एक फ्रूट आता है, फ्रूट के अंदर का जो भाग होता है उसे सुखाया जाता है, फिर उसको पाउडर करके एक एक चम्मच सुबह शाम लिया जा सकता है। तो वो डायरिया वाले केसेस में भी काम करता है। अगर वो ना मिले तो आप कूटज घनवट्टी साथ में ऐड कर सकते हो, फिर धीमे धीमे आपको उसको भी बंद कर देना है, फिर सिर्फ पंचकोल चूर्ण शुरू रखना है। जिन्हें डायरिया जैसे रहता है ऐसे लोगों को छाछ और दही, कर्ड और बटर मिल्क का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। ऐसे लोगों को दूध अवॉइड करना चाहिए, दूध के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये तीन तरह के डिविजन्स मैंने बताए हैं। अदरक तो तीनों लोग खा सकते हैं, जीरा है वो भी सब लोग सेवन कर सकते हैं, अजवाइन है, हींग है, इन चीज़ों का सेवन भी वो लोग कर सकते हैं। हींग वाला डायरिया वालों को नहीं लेना है। बटर मिल्क है, कर्ड है, ये मैंने कहा वैसे, कॉन्स्टिपेशन वालों को कम लेना है। दूध है तो जिन्हें वॉमिट होती है गैस में, ऐसे लोगों को दूध नहीं लेना है। जब हो रही है तब फास्टिंग सबसे अच्छा रहता है, लेकिन फास्टिंग बिल्कुल भूखे नहीं रहना है। अगर आप बिल्कुल भूखे रहोगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी और फिर वॉमिट जैसा हो जाएगा, और आप ज़्यादा खा लोगे तो भी प्रॉब्लम रहेगी। तो मीडियम ही खाना होता है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जब आप खाना खाते हो तो आपको दो भाग सॉलिड लेना चाहिए, एक भाग लिक्विड लेना चाहिए और एक भाग खाली छोड़ देना चाहिए। पूरा फुल पेट नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कम खाना चाहिए, फुल पेट से थोड़ा कम खाना चाहिए। तो ये चीज़ का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। आपकी नॉर्मल कंडीशन भी है तो आपको पूरा फुल पेट करके नहीं खाना है, मीडियम खाना है, 70% 80% तक आपको खाना खाना चाहिए। और हैवी फूड्स चाहे कोई भी हो उसको अवॉइड करना चाहिए, खास करके घी और तेल में जो भी चीज़ें बनती है उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, फ्राई की हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों यही है अभी डाइट में कि कोई किस कंडीशन में किस तरह के पाउडर्स को आप ऐड कर सकते हो, किस तरह के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हो और किस तरह की गैस ट्रबल्स है आपको पता होगा, उस हिसाब से आप अपने डाइट को सेट कर सकते हो। पर एक तुरंत हुआ है और एक लंबे टाइम के लिए, दोनों चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर तुरंत हुआ है तो उस टाइम पे आपको हल्का खुराक खाना है और फास्टिंग के ऊपर चले जाना है और आपको फ्रूट्स के ऊपर चले जाना है, और अगर लंबे टाइम से है तो जैसे मैंने कहा अदरक वगैरह का सेवन करना है। तो पिछला जो मैंने केस डिस्कशन किया था वो मैंने बता दिया, और अब गैस ट्रबल किस तरह की होती है, उसमें क्या डाइट लेनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊंगा वो किसी और तकलीफ के ऊपर बताऊंगा। अगर इस चीज़ में कोई रह गया हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। आपको किसी दूसरी बीमारी के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं। कोई भी आपको सजेशन चाहिए आप नीचे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, मैं उसको आपका आंसर दे दूँगा। चैनल का नाम है डॉक्टर श्रीपाल, और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए ताकि जो सही इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुँच सके। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें दो दिन में तीन दिन में मिट जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसे जो वीडियोस होते हैं वो फॉल्स क्लेम है, दो तीन दिन में ये चीज़ें नहीं मिटती है। पाचन शक्ति बनने में टाइम लगता है, दो चार दिन में नहीं बनती है। हाँ, अगर आपको फर्स्ट टाइम हुआ है तो बात अलग है, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टाइम से ये प्रॉब्लम है तो दो चार दिन में, पाँच दिन में, एक हफ्ते में ठीक नहीं होगा। आपको कुछ टाइम तो मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। थैंक यू, बाय।